गुड मॉर्निंग प्रेयर शुरू करें। सीधा बैठें मगर बिना तनाव के बैठें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अंदर जाती हुई सांस, फिर बाहर जाती हुई सांस, उन्हें जानते रहें। अवेयरनेस होश बनाए रखें। बिना कोई कामना किए सांस को जानते रहें। न ज्यादा सांस चाहिए न कम सांस चाहिए, जितनी आ रही है जितनी जा रही है उतनी चाहिए। पूरे स्वीकार भाव के साथ चलता रहे। ध्यान की शुरुआत एकाग्रता से होती है। आप भी इस वक्त अपनी एकाग्रता को इस तरह बढ़ाएं कि यह मन गहराई में जा सके, स्व अनुभव को पहचान सके। यह मन तीक्ष्ण होगा, एकाग्रत होगा तो खोज करना आसान होगा। सभी ध्यान में बैठें, आंखें बंद करके बैठें, सीधे बैठें, आसन पर बैठें, अपनी मुद्रा एकाग्रता बढ़ाने के लिए अंगूठे और उंगली को मिलाकर बैठें। भाव ध्यान के शुरू हो जाएंगे। सांसें चलना शुरू होंगी। ध्यान के साथ सांसें चलना एकाग्रता की तरफ बढ़ना है। इस एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अंदर जाती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, रुकी हुई सांस, फिर चल पड़ी हुई सांस, ठंडी सांस, गर्म सांस, गहरी सांस, उथली सांस, जैसी भी सांस चल रही है आप केवल साक्षी हैं। साक्षी की नजर से हर सांस को देखें। आप वर्तमान में आ चुके होंगे, न पास्ट होगा, न भूत होगा, न भविष्य होगा। अपना सारा ध्यान सांसों पर लगाए रखें। जैसे जैसे सूचना मिलेगी वैसे वैसे करते जाएंगे। एकाग्रता, फोकस, फोकस करें अपनी प्रार्थना को। फोकस करें किस दिशा में आप प्रार्थना का परिणाम चाहते हैं। विश्व के सारे लोगों पर
फोकस करें। विश्व के सारे लोग इस वक्त ग्रहणशील हैं, रिसीवर हैं। शुभ्र प्रकाश, उपचार का प्रकाश, हीलिंग लाइट जो नीचे उतर रही है, सभी उसे ग्रहण कर रहे हैं। सभी को स्वास्थ्य मिल रहा है, सेहत समृद्धि मिल रही है। सभी को यह कृपा मिले। आपका फोकस इस बात पर हो कि सबको क्या मिले, इस बात पर फोकस न करें कि क्या न मिले, क्या न हो, सभी को क्या मिले। प्रार्थना में ये कभी न कहें कि लोगों को बीमारी न मिले, विश्व में हिंसा न हो, युद्ध न हो, लोगों के विकार न हो, बजाय क्या न हो, आपको कहना है क्या हो। सभी को स्वास्थ्य मिले, सभी को समृद्धि मिले, सभी का तेज विकास हो, सभी भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल कर रहें, पीस हो, चारों ओर शांति हो। उपचार प्रकाश चेतना बढ़ाए, सभी की चेतना ऊपर उठे, ताकि महानिर्वाण निर्माण होना आसान हो जाए। जो हो ही रहा है, इतने सारे लोग इकट्ठे आज प्रार्थना में बैठे हैं। सभी अपनी प्रार्थना में फोकस्ड हैं, एकाग्रत होकर बैठे हैं। सभी अपने बल से, शब्दों के बल से, कल्पना के बल से, भावों के बल से पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट देखकर दिशा दे रहे हैं क्या होना चाहिए, बजाय इसके क्या नहीं होना चाहिए। यह गलती समाप्त हुई है, ताकि सभी सही तरीके से प्रार्थना कर पाएं। विश्व के सारे लोगों को यह समझ मिले कि क्या चाहिए पर फोकस रखा जाए। यह समझ की क्रांति सभी तक पहुंचे, सभी अपने अज्ञान से मुक्त होकर ज्ञान में, भक्ति में आनंदित रहें, संतुष्ट रहें, अच्छा महसूस करें। ये हो रहा है, यह हो रहा है, हे ईश्वर आपकी इच्छा पूरी हो रही है, तुम्हें जो लगे अच्छा वही हमारी इच्छा। फोकस ईश्वर की इच्छा पर हो, दिव्य योजना पर हो, जिस अनुसार सभी के लिए हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लव, जॉय, हैप्पीनेस सब है, सभी के लिए सब है, सभी के टॉस, सभी की प्रार्थनाएं पूरी हो सकती हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है, केवल विचारों में लिमिटेशन है। यह लिमिटेशन
यह हद समाप्त हो रही है। बेहद बेशर्त प्रेम सब में जग रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ते जाए, बढ़ते रहे। इस समझ के साथ प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में धन्यवाद देकर आगे के कार्य जारी रखेंगे। सेवा का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जारी रखना चाहते हैं वे ध्यान प्रार्थना जारी रखें।